तारीखी इस्लाम के अंदर अबू तालिब उस हस्ती का नाम है कि जिस हस्ती के अमल को ताईदे इलाही हासिल हुई। अमल अगरचे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दस्ते अक्दस से सरजद हुआ, लेकिन उस अमल को परवरदिगार आलम ने अपना अमल करार दिया। अबू तालिब उस हस्ती का नाम है कि पूरी मक्की जिंदगी के अंदर जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई और रहलत हजरत अबू तालिब तक अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत का जो इंतजाम किया, तो खुदा के अस्मा और हुस्ना अर रकीब अल हफीज जिस हस्ती के वजूद मुबारक से मुतजल्ली होते रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की हस्ती है। मुतासिफाना 1400 साल से उम्मत जिस मौजू के ऊपर बहस किए जा रही है वो ईमान अबू तालिब है। ईमान अबू तालिब अगर हम तासुब को हटा दें और नासबियत की तरवीज करदा अफकार से हट कर देखें तो ईमान अबू तालिब तसन्नुन व तशय्यो के मनाबे में एक एस्टेब्लिश हकीकत है, एक मुस्तनद हकीकत है। और आज जिस मौजू पर बात करने की जरूरत है वो ईमान अबू तालिब से आगे बढ़कर किरदार अबू तालिब है। दिफाए दीन के लिए, दिफाए हक के लिए, दिफाए रिसालत के लिए, नुसरत रिसालत के लिए, पैरवी रिसालत के लिए जनाब अबू तालिब अगरचे उम्र में रसूलुल्लाह से बड़े थे, जनाब अबू तालिब अगरचे रुतबे में भी रसूलुल्लाह से बड़े हैं, जनाब अबू तालिब रिश्ते में भी रसूलुल्लाह से बड़े हैं, जनाब अबू तालिब मक्का के अंदर रसूलुल्लाह एक नौजवान हैं, लेकिन जनाब अबू तालिब एक समाजी रुतबा जो है जो अर्ज किया हमने उसमें एक नुमाया मकाम रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना अपने समाजी रुतबे को, ना अपने रिश्ते को, ना अपनी उम्र को, किसी चीज को भी जनाब अबू तालिब ने ना हम असर होने को, जो एक बहुत बड़ा हिजाब बन जाता है, जनाब अबू तालिब ने किसी भी चीज को अपने लिए रुकावट नहीं करने दिया। रसूलुल्लाह पर ईमान में, रसूलुल्लाह की नुसरत में, रसूलुल्लाह की ताईद में, रसूलुल्लाह की पैरवी में। और ये वो किरदार है जो आज जरूरत है उम्मत मुस्लिमा की, कि उम्मत मुस्लिमा को आज पैरवी रिसालत की जरूरत है, मनहज रिसालत की जरूरत है, इताअत रिसालत की जरूरत है। आज जो तफरका गली गली फैला हुआ है और दुश्मनी की आग हर घर में जल रही है, आज जो नफरतों के बाजार सजे हुए हैं और नफरतों की तिजारत दीन के नाम पर, नफरतों की तिजारत जन्नत की तिजारत के मुतरादिफ करार दे दी गई, इस सारी सूरत हाल में, सारी सिचुएशन के अंदर आज जरूरत है किरदार अबू तालिब की, कि आज अपने उन तमाम कबाइली, ग्रोही, मसलकी, तंजीमी, इलाकाई, नस्बी तवाहमात से निकलें, उन रुकावटों को उबूर करें और उबूर कर मनहज रिसालत को देखें और रिसालत के उस मनहज को, रिजाए रसूल को समझें और रिजाए रसूल को अपनाएं। वो शिया हों, वो सुन्नी हों, वो सुन्नियों की दीगर डिविजन्स हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, सूफी हों, अहले हदीस हों, मशाइख से ताल्लुक रखते हो, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आज निजात अगर कोई है तो वो पैरवी रिसालत में, इताअत रिसालत में, दिफाए दीन में है। दीन के मुसल्लमात के खिलाफ आज अल्लाह ने जंग कर दिया गया है। आज आजादी के नाम पर आप देखिए ईरान के अंदर जो हुआ कि वहां जन जिंदगी आजादी का नारा लगाया गया, ये खवातीन की आजादी के लिए तो नहीं है, लेकिन ये उस मुआशरे को दीन से मुतनफिर करने के लिए जरूर है, जिस तरह तुर्की में माजी में हुआ। औरत की आजादी मुसल्लमात में से होनी चाहिए, लेकिन वो जो मगरब शियार लगा रहे हैं उस शियार का जाहिर कुछ और है, जिस तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खवारिज के बारे में कहा था कि खवारिज का नारा ला हुक्मु इल्ला लिल्लाह बरहक है, कुरान की आयत है, वही के अल्फाज हैं, लेकिन इसका मिस्ताक वो जो लेते हैं वो ना दुरुस्त है, वो बातें नहीं। आज आजादी निस्वा का शियार हो, आज हुकूक इंसानी का शियार हो, आज अमन का शियार हो, ये शियार जो मगरिब लगा रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इनके मसादीक जो तत्बीक करता हुआ नजर आता है, पेश करता हुआ नजर आता है, वो बातें नहीं। इसलिए आज जरूरत है कि हम किरदार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे चलते हुए उस शऊर को आम करें, उस आगाही को आम करें, उस बेदारी को आम करें, कि शियार जो मुसलमानों ने छोड़ दिए, मुसलमान इस बहस में पड़ गए कि उन्होंने आमीन बिल जहर पढ़नी है या आमीन बिल इख्फा पढ़नी है, मुसलमान इस बहस में पड़ गए कि बिस्मिल्लाह
को बुलंद आवाज से पढ़ना है या इख्फा करके पढ़ना है। मुसलमान इस बहस में उलझे रहे और जकड़े रहे कि नमाज में हाथ खोलने हैं या हाथ बांधने हैं। मुसलमान इस बहस में जकड़े रहे कि रसूलुल्लाह हाजिर और नाजिर हैं या रसूलुल्लाह हाजिर और नाजिर नहीं हैं। और वो जो रसूलुल्लाह की तालीमात थी, आजादी की तालीम, हुकूक की तालीम, अमन की तालीम, मुआशरे में इंसाफ की तालीम, बराबरी और मसावात की तालीम, अखुवत की तालीम, वो सारी तालीमात पीछे पड़ी रह गई। नतीजा क्या निकला? उन तालीमात का शियार दूसरे लेते। आज हमें वापस अपनी उसी मीरास को पलटाना होगा अपनी तरफ। आज हमें मुती मुस्तफा बनना होगा। हम आशिक मुस्तफा तो बहुत है, मुती मुस्तफा बनना होगा। और मुती ना सिर्फ ये कि हम दाढ़ी रख लें, हम अपने पैंची ऊपर कर लें, हम टोपी पहन लें, हम पांच वक्त मस्जिद में जाकर अरबी में नमाज पढ़ लें, बल्कि हमें फिक्र मुस्तफा को अपनाना होगा। हमें जिक्र मुस्तफा के साथ साथ फिक्र मुस्तफा को अपनाना होगा। हमें मोहब्बत रसूल के साथ साथ मनहज रसूल को समझने की जरूरत है। और यही आज की जरूरत है, यह हर असर की जरूरत है, लेकिन खुसूसियत के साथ आज की जरूरत है। और आज के पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान के शिया और सुन्नी की जरूरत है, हर मुसलमान की जरूरत है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने पर हो। और ये इसका बेहतरीन नमूना, इताअत मुस्तफा का बेहतरीन नमूना, दिफाए मुस्तफा का बेहतरीन नमूना और नुसरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन नमूना अगर कोई है, और पैरवी मुस्तफा व माइयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कोई बेहतरीन नमूना मौजूद है, तो हज़रत मुतालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।